त्योहारों का सीजन चल रहा है और सबको मालूम है कि अब गणेश चतुर्थी आने वाली है और ऐसे में हम चढ़ाते हैं गणेश जी को उनके प्रिय मोदक। तो इस बार हमने मोदक बनाए हैं आटे के और इसको हमने एक अलग डिज़ाइन में बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी और गणेश जी के प्रिय मोदक हमने कैसे बनाए हैं इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमने एक कटोरी लिया है और एक कटोरी लिया है देसी घी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे घी। घी हमने जो जितना लिया था उसमें हमने आधा ही डाला है, अगर कम पड़ेगा तो फिर हम और डाल देंगे। और घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम डाल देंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमने पहले छान लिया था अच्छे से और इसको अब हम धीमी आंच पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, इस तरह से जो घी से जो गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं उसको फोड़ते हुए और हम धीरे धीरे इसे अच्छे से चलाते हुए धीमी आंच पर भूनेंगे। और थोड़ा सा इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है, इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इसको अभी हम थोड़ा सा और भूनेंगे। और इधर हमने मेवा काट के रखी है, इसमें हमने मखाने लिए हैं, गरी का नारियल का बुरादा है और काजू है, उसको हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। और आटा हमारा भुन गया है, इसमें हमने इन सभी चीज़ों को डाल दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स है वो अपने पसंद के अनुसार आप ले सकते हैं, पिस्ता है तो वो ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और इसको भी हम आटा के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। और सभी चीज़ें भुन गई हैं, अब इसमें हमने डाल दिया है पिसी हुई शक्कर। अभी हम इसकी चाशनी बनाएंगे, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें हम डालेंगे अब बॉयल पानी। पानी को हमने अच्छे से उबाल लिया था और गर्म पानी ही डालना है। इसकी थोड़ी सी चाशनी हमने अच्छे से बना ली है, अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हमने आधी कटोरी लिया है क्योंकि थोड़ा सा इसमें खोए जैसा स्वाद भी आना चाहिए, उससे ये बहुत टेस्टी लगते हैं। थोड़ा सा घी हमें कम लग रहा था तो इसमें हमने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो बैटर वो हमारा जो मिक्सचर है वो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मिक्स हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। और इस सब घी को हम अच्छे से इसमें लड्डू में मिला देंगे, सॉरी आटे के जो मिक्सचर है इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसको हम मिक्सचर को अब ठंडा होने देंगे। और ये ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें कितनी चिकनाई है और ये अच्छे से बंध भी रहा है। तो अब यहाँ पे आके हमने एक चम्मच ली है जिससे हमें ये बनाने हैं मोदक। तो इस तरह की ये चम्मच, आपके पास अगर मोदक का मोल्ड हो तो उससे भी आप बना सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इस वाली चम्मच से बना रही हूँ, इस तरह से भर के और इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने सभी मोदक बना लिए हैं और ये बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत हेल्दी हैं क्योंकि आटे के बने हैं और इसमें हमने घी डाला है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।